नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रागी शर। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा चैनल टैलेंटेड इंडिया और सीधे आपके साथ कनेक्शन करते हैं बॉलीवुड दुनिया की ओर। आधुनिक वक्त के चलते भारत के कई क्षेत्रों में अब भी पुरुष वर्चस्व की स्थितियां हैं। जहाँ भारत का संविधान हमें समानता सिखाता है, वही कुछ हिस्सों में आज भी लोगों द्वारा महिलाओं से भेदभाव किया जाता है, जैसा पुराने जमाने में होता था। आज के समय में जहाँ लड़कियां हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में नाम कमा रही है, देश का नाम रोशन कर रही है और पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही है, वहीं बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री नेहा धूपिया ने उनके साथ हुए भेदभाव का खुलासा किया है। नेहा धूपिया बॉलीवुड की जानी मानी और काफी मशहूर एक्ट्रेस है। हालांकि सिनेमा जगत में उन्होंने बॉलीवुड से नहीं बल्कि मलयालम फिल्म से डेब्यू किया था। उनका डेब्यू बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस एक मलयालम फिल्म मिन्नाराम से हुआ था। हाल ही में उनका इंटरव्यू एक न्यूज वेबसाइट ने लिया, जिसमें नेहा ने अपने साथ हुए भेदभाव का तो खुलासा किया, साथ ही यह भी बताया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है। अपने इंटरव्यू में नेहा ने कहा है कि बहुत पहले जब मैं साउथ की फिल्मों में काम कर रही थी तो सेट पर सब कोशिश करते थे कि पहले हीरो खाना खाए, तब मेरी हालत भूख से मरने वाली होती थी, लेकिन वो लोग मुझे नहीं खाने देते थे। वो लोग कहते पहले हीरो प्लेट उठाएंगे, लेकिन वो अभी शॉट कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब सा था, हालांकि बहुत सालों पहले की बात है, तब ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है और मुझे बहुत हंसी आई। मुझे इससे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं बोल देती थी ठीक है और वहीं बैठ जाती थी। सिर्फ नेहा ही नहीं बल्कि साउथ की और भी कई अभिनेत्रियों ने इस विषय पर बात की है और साउथ इंडस्ट्री में होने वाले भेदभाव पर बोला है। साल 2018 में आयोजित हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अदाकारा श्रुति हरिहरन ने कास्टिंग काउच से जुड़ा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उस वक्त श्रुति महज 18 वर्ष की थी। श्रुति ने कहा, मैं डांसर थी। एक दिन मैं रोते हुए अपने कोरियोग्राफर के पास पहुंची और उन्हें एक प्रोड्यूसर की हरकत के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा अगर तुम ये हैंडल नहीं कर सकती तो इंडस्ट्री छोड़कर चली जा। मेरे साथ फिर कुछ वैसा ही हुआ। मैंने कन्नड़ भाषा की एक फिल्म की थी, इसके तमिल रिमेक के लिए एक प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया। फोन पर उसने मुझसे कहा, हम 5 प्रोड्यूसर हैं, आपको हम 5 के बीच में एक्सचेंज किया जाएगा, जब हम चाहेंगे आपको बुला लिया करेंगे, लेकिन एक एक करके। तब तक मैं जवाब देना सीख चुकी थी। मैंने जवाब में कहा, मैं आऊंगी तो सही, लेकिन साथ में चप्पल लेकर आऊंगी जिसे इस्तेमाल करने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी। उस दिन के बाद से मुझे तमिल फिल्मों में अच्छे रोल ऑफर नहीं हुए, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे सामने ऐसी दिक्कतें नहीं आई। हालांकि बात सिर्फ एक्ट्रेस के साथ होने वाले बर्ताव या फिर उनकी परफॉर्मेंस की नहीं है, कई बार कैमरे का गलत एंगल भी सीन को पूरी तरह से गलत प्रदर्शित कर देता है। इस बात की जानकारी साझा की परिणीता सुभाष ने। दरअसल परिणीता ने अपने साथ हुआ एक वाक्य बयान किया जो उनकी तेलुगु फिल्म जरासंधा से जुड़ा था। परिणीता कहती है, मैं एक फिल्म कर रही थी जिसमें मुझे एक नक्सली की पत्नी का किरदार करना था। मेरा किरदार इंटेंस और नॉन ग्लैमरस था। फिल्म में मेरा एक इंट्रोडक्शन सीन था जिसमें मैं सीढ़ियां उतर रही हूँ। शूटिंग के दौरान कैमरा मेरे चेहरे पर फोकस था, लेकिन प्रीमियर पर जब मैंने फिल्म देखी तो बहुत शर्मिंदा हुई। कैमरा एंगल ऐसा था कि वो बेवॉच का रनिंग सीन लग रहा था और मेरे साथ में पेरेंट्स थे। फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में हीरोइन का मत सबसे आखिर में आता है, बात चाहे खुद हीरोइन की कैरेक्टर की हो, डिसीजन मेकिंग में एक्ट्रेस की राय मायने नहीं रखती। तो देखा आपने कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से अभिनेत्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। कभी उन्हें कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ता है तो कभी कैमरा ही उनकी छवि को गलत दिखा देता है। खैर, अब स्थिति काफी तेजी से बदली है और महिलाएं भी अब खुलकर उनके साथ गलत होने वाले बर्ताव का विरोध करती है। अगर आपको हमारे चैनल की अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सर्फ और सर्फ टैलेंटेड इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।